एक लड़की गरीब परिवार से होती है, लेकिन पढ़ाई करने में बहुत होशियार थी। एंटर और हाई स्कूल में 95% उसने नंबर प्राप्त किए थे, लेकिन उसका हौसला जब बुलंद हुआ, जब उसने एंटर पास किया, उसके 95% नंबर आए, तो उसने सोचा कि आईएएस अधिकारी बनूं, कलेक्टर बनने का उसका हौसला जागने लगा। अपने माता पिता से कहा, लेकिन माता पिता पढ़े नहीं थे, लेकिन पढ़ाई उसने अपने जारी रखी। पढ़ाई जारी रखी, जब कलेक्टर बनने का सपना उसने तैयार किया और कॉलेज जाने लगी, अपनी पढ़ाई करने के लिए कोचिंग जाने लगी, तो घर वाले पढ़े लिखे नहीं थे, उनके दिमाग में कुछ बात और आने लगी। उन्होंने उस लड़की के ना चाहते हुए भी और विचार किया, ये लड़की इतनी पढ़ लिख गई तो हमारी नाक ना कटा दे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में उस बेटी की शादी कर दी। उस लड़की की शादी कर दी। शादी करने के बाद वो लड़की ससुराल आ जाती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अभी मेरा विवाह हो। जब अपने ससुराल आती है, ससुराल आकर के उसके ससुराल वाले भी ऐसे ही थे, वो पढ़ाई का महत्व नहीं जानते थे। घर वाले भी सास ससुर उससे परेशान करते थे कि तू सारे दिन कापी किताब लिए बैठी रहती है, या ससुराल है और तू कुछ काम नहीं करना चाहती, लेकिन उसका पति भी उसका साथ नहीं देता था, और इसी के चलते घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता था, क्योंकि जहाँ शिक्षा है वहां विकास होता है। लेकिन लड़की सोचती है, परमात्मा, हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। माता पिता ने कदर नहीं समझी, लेकिन ससुराल में भी कदर नहीं मिल रही है, क्योंकि वो लड़की अपना कुछ और मुकाम हासिल करना चाहती थी। दोस्तों, यहां तक हुआ कि उसे इतना परेशान किया जाने लगा, इतना परेशान किया जाने लगा कि उस लड़की को उसके सास ससुर और उसके पति ने घर से निकाल दिया। जब उसे घर से निकाल दिया जाता है, तो वो लड़की अपने मैके चली जाती है, लेकिन मैके रह करके उसने आईएएस अधिकारी का कैसे पद प्राप्त किया, तो बने रहिए मेरे साथ थोड़ा समय निकाल करके। मैं हूं प्रेम यादव, ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इस कहानी को एक बार अवश्य सुनिए। दोस्तों, जिस लड़की का नाम होता है सोनिया रावत, ये पढ़ने में बहुत होशियार थी, और वो अपने ससुराल से मैके आ जाती है और पढ़ाई बरकरार रखती है। पढ़ाई यहां तक रखती है कि उसे किसी से मतलब नहीं है, लेकिन उसके माता पिता भी नहीं सोचते थे कि हमारी लड़की कलेक्टर बनेगी। वो यही कहती थी कि मैं कलेक्टर बनूंगी। दोस्तों, उसका पति जो होता है, जिसका नाम होता है राम सिंह रावत, और उसने भी तलाक के पेपर भेजे, लेकिन उसने उस पर साइन नहीं किए, लेकिन वो अपना काम जारी रखी। उसने काम जारी रखा, लेकिन समय आने पर, कहते हैं कि जब किस्मत बदलती है तो कहीं से भी बदल जाती है, लेकिन वो लड़की जब टेस्ट होता है, जगह निकलती है, तो वो लड़की कलेक्टर बन जाती है। जब वो अधिकारी बन जाती है, सब लोग उसके गांव को खुशियां मनाते हैं, लड़की को उसे बधाई देते हैं। इधर उसका पति जो होता है राम सिंह रावत, ये भी थोड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन पत्नी का साथ न दे करके ये भी एक क्लर्क बनता है, एक ऑफिस में काम करता है, सरकारी क्लर्क बनता है। उसकी पत्नी सोनिया रावत ये कलेक्टर बन जाती है। कलेक्टर बनने के बाद उसका चारों तरफ नाम हो जाता है। दोस्तों, वही एक जिला पर नियुक्त की जाती है, और जिस ऑफिस में, जिस जिले पर उसे जाना होता है, तो उस ऑफिस में उसकी तैयारियां हो रही होती है। तैयारियां हो रही होती हैं, सब लोग उसकी तैयारियां में, कोई गुलदस्ता लिए है, कोई स्वागत के लिए फूल मालाएं लिए है, कोई कुछ लिए है, क्योंकि वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी थी, क्योंकि वो कलेक्टर बन चुकी थी, उसे गाड़ी मिली थी। लेकिन सवेरे जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जब जिले पर जाती है, तो लोग जो ऑफिस के होते हैं, कर्मचारी, सब लोग उसकी रास्ता राह निकाल रहे होते हैं कि वो कितने वक्त आ रही है, उसका स्वागत किया जाए। वो अपने समय पर गाड़ी उसकी पहुंचती है, गाड़ी रुकती है, तो उस ऑफिस का जो बड़ा बाबू होता है और कर्मचारी होते हैं, सब लाइन में होते हैं, उसका स्वागत करते हैं, कोई गुलदस्ता देता है, अपना अपना परिचय देते हैं, अपना अपना परिचय देते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी में जो राम सिंह रावत होता है क्लर्क, वो भी लाइन में लगा हुआ था। जैसे ही वो परिचय देते देते पहुंच जाते हैं, तो राम सिंह रावत उस जगह से हट करके वो लास्ट में पहुंच जाता है। लेकिन जो बड़े बाबू होते हैं, उसमें उसने देखा कि ये राम सिंह रावत यहां से निकलकर वहां क्यों पहुंच गया, क्या बात है। फिर भी कोई बात नहीं है, आगे जब मैडम बढ़ती हैं, तो वो अपना थोड़ा परिचय देता है कि मैं यहाँ का क्लर्क हूं, मेरा नाम राम सिंह रावत, इतनी देखकर अपना चला जाता है।
क्योंकि वो जानता था ये कोई और नहीं है, क्योंकि ये हमारी ही पत्नी है। लेकिन इसने आईएएस बन गई है, ये कलेक्टर बन गई है, इसने अपना पद प्राप्त किया, लेकिन मैंने इसकी कदर नहीं की, इसे घर से निकाल दिया था। तो कैसे वो नजर में लाता। दोस्तों अपनी केबिन में चली जाती है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, सब लोग अपना अपना परिचय देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त जब गुजरता गया, दोस्तों कहते हैं कि समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। लेकिन जो राम सिंह रावत होता है, उसने विचार किया कि अब यहां पर आ गई है, अब मैं क्या करूं, तो वो घर चला जाता है और फोन पर जो बड़े बाबू होते हैं उनसे ये बोल देता है कि मैं अब परेशान हूं, बीमार हूं, मैं अभी ड्यूटी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जो सोनिया होती है कलेक्टर, वो कुछ कहती नहीं, देखती है कि पहले दिन हमें राम सिंह दिखाई पड़ा, आखिर को मेरा पति था, वो नहीं दिखाई देता है, ड्यूटी तो ड्यूटी यहां पर कोई किसी का नहीं होता है। तो उस बड़े बाबू से पूछती है कि राम सिंह रावत क्यों नहीं आ रहा, कारण क्या है। तब वो फोन करता है और पूछता है कि राम सिंह ड्यूटी क्यों नहीं आते। तो वो कहता है कि मुझे भी तकलीफ है, मुझे एक महीना की मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो कोई बात नहीं है, जब छुट्टी पूरी होने के बाद आप आ जाना। लेकिन फिर भी नहीं आता है तो बड़े बाबू उसे फोन करके बुलाते हैं। जब ऑफिस में उसे पेश किया जाता है, कलेक्टर साहब पूछते हैं कि आपने बिना मर्जी के इतने दिन काटे, बात क्या है, क्योंकि आपको नौकरी नहीं करनी है। बोले नौकरी सरकार ने दी है, आपने नहीं दी, लेकिन मेरी छुट्टी बाकी पड़ी थी, वो मैंने अपनी छुट्टी पूरी की है, मैं अपना काम करता हूं। सब लोग अभिवादन करते हैं, लेकिन राम सिंह उसका अभिवादन स्वागत कुछ नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि ये हमारी बीवी है। दोस्तों ऐसे ही काम चलता रहा। कुछ समय के बाद उसमें जो काम होता था उसमें एक शर्मा जी थे, वो फाइल पास करते थे, लोगों से पैसा ऐंठते थे, लेकिन सोनिया जो थी वो इस पर सख्त खिलाफ थी, पैसा किसी गरीब से नहीं लेने देती थी। दोस्तों वो जब वो पैसे लेता था तो उसने उस पर तंच कसना शुरू कर दिया, उसकी निगरानी करना शुरू कर दी। लेकिन एक दिन वो शर्मा जब उसके अंदर पहुंचता है, केबिन के अंदर जहां पर कलेक्टर साहब बैठे होते हैं और राम सिंह रावत बगल वाली ऑफिस में बैठा हुआ होता है, तो उस पर कलेक्टर साहब पर वो शर्मा भड़क जाता है, कहता है कि हम ऐसा ही करेंगे, आपको जो भी करना है वो कर लो, हमारा क्या कर, उल्टा सीधा बोलना शुरू हो जाता है सोनिया से। लेकिन जब ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोले ही चला जाता है, क्योंकि वो अधिकारी थी, वो सुनती रही, तो जो राम सिंह होता है उससे नहीं रुका जाता, आकर के शर्मा से झगड़ जाता है। वो शर्मा से कहता है कि अपना दिमाग ठीक कर लेना, आप किससे बात कर रहे हो, आप औकात में रह करके बात कीजिए। लेकिन तब तक बड़े बाबू आकर उन लोगों को ऑफिस से बाहर कर देते हैं। उसके बाद में वहां रफा दफा हो जाती है, लेकिन सोनिया राम सिंह को केबिन के अंदर ऑफिस में बुलाती है और पूछती है तुमने हमारे पीछे उससे बुरा भला क्यों कहा। कानूनी तौर पर उस पर हम कड़ी कार्रवाई अवश्य करते, लेकिन आपको पंगा लेने की आवश्यकता क्या थी जो आपने ऐसी हरकत की। लेकिन वो कहता कुछ नहीं, अगर कोई आपसे कहता है तो मुझे आखिर को मेरा दिल अलग नहीं है, मैंने तुम्हें घर से जरूर निकाल दिया था, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए जगह, तुमसे कोई बुरा भला कहेगा तो उसे हम जिंदा भी दफना सकते हैं। इतनी कहकर के वो राम सिंह निकल जाता है ऑफिस से। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कहीं कुछ भी हो सकता है, इधर वो शर्मा होता है राम सिंह पर दाव खा जाता है, सोचता है कि इसे ही देखना है, क्योंकि उसने कलेक्टर का क्यों पक्ष लिया और उसे देखना है, यही सोच करके और उसने गुंडे लगाए और राम सिंह को रास्ता में घिरवा करके मारपीट करवाई, उसके हाथ पैर तोड़वा दिए। उसने राम सिंह के हाथ पैर तोड़वा दिए और उसे इतना परेशान किया कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। सवेरे एक मंत्री जी की उसमें दरबार लगना था, मीटिंग होनी थी कलेक्टर साहब के यहाँ, जो सब लोग आ जाते हैं, राम सिंह जब नहीं आता है तो बड़े बाबू से कहती है कलेक्टर साहब आज राम सिंह दिखाई नहीं पड़ रहा, उसे फोन करके पूछो। तो किसी कर्मचारी ने बताया कि राम सिंह को कल गुंडों ने इतना पीटा है कि उसके हाथ पैर टूट गए और वो एमरजेंसी में हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। इतनी बात जब कलेक्टर सुनती हैं तो कहती हैं कि मुझे वहां जाना अनिवार्य है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि मंत्री जी आ रहे हैं, नाराज हो जाएंगे। बोले मंत्री जी का आना नाराज हो जाए, लेकिन हमें हॉस्पिटल पहुंचना अनिवार्य है। तो तुरंत ही गाड़ी में बैठती है और वो हॉस्पिटल पहुंचती है जहां राम सिंह बेहोशी में पड़ा हुआ था।
राम सिंह को देखती है, देखने के बाद थोड़ा होश आता है, आंखें उघार कर देखता है कि ये तो सोनिया आई हुई है। सोनिया की आंखें डबडबा जाती हैं और आंसू को रोक लेती है और वहां से फोन पर फोन बज रहे होते हैं, लेकिन वो वहां से चली जाती है। जब वो पहुंचती है तो लोग बताते हैं कि मंत्री जी बहुत खिलाफ थे, नाराज थे। बोले नाराजगी होगी, मैं पद पाए हूं, वो सरकारी पद है, ऐसे वैसे नहीं मंत्री मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों इसके बाद में अब कुछ समय के बाद राम सिंह का डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जब पता लगता है, क्योंकि बड़े बाबू के द्वारा वो सूचना एक लेती रहती थी क्या हालत है क्या तबीयत है, तो वो अपने कहती है कर्मचारी लोगों से कि आज राम सिंह को देखने चलना है। तो गाड़ी लेकर के लोग बॉडी गार्ड सुरक्षा गार्ड सब जाते हैं, राम सिंह के घर पर पहुंचते हैं। राम सिंह के घर पर जब लोग पहुंचते हैं और जैसे सोनिया पहुंचती है, राम सिंह इतना परेशान था, उसके पास कोई इतना भी नहीं था जो उसे दवा उठा के और उसके पास भी खिला दे। बहुत पीड़ा से, किल्लत से गुजर रहा था, दवा तक नहीं उठा सकता था। गेट में घुसती है, घुसने के बाद देखती है कि राम सिंह लेटा हुआ है लेकिन दवा पानी भी नहीं ले सकता। लेकिन बात करते हैं थोड़ी देर के बाद, सोनिया कहती है कि आखिरकार तुमने ये सब क्या किया है। बोले हमने कुछ भी नहीं किया, जो भगवान को मंजूर था, तुमने उस दिन मेरे पीछे उससे पंगा लिया, ये आपको नहीं लेना था। बातें बहुत सारी होती रहती हैं लेकिन वो सारे लोग एक दूसरे की बात को जानते थे। सोनिया कहती है कि उस दिन आपने अपने घर से मुझे निकाला और माता पिता के पीछे तुमने मुझे धैर्य धारण नहीं किया, मुझे धीर नहीं बनाया और तुमने घर से निकाल दिया। राम सिंह कहता है कि माता पिता की अगर बात नहीं मानता तो मैं कहीं का नहीं रहता, क्योंकि माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर माता पिता की बात नहीं मानता तो भी परेशानी, आपकी बात नहीं मानता, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने, सोनिया कहती है कि तलाक के कागज जो तुमने भिजवाए थे मुझे, वो अच्छा था कि मैंने सिग्नेचर नहीं किए थे। लेकिन अब इस बात को देख करके राम सिंह फूट फूट करके रोने लगता है और कहता है, सोनिया जो भी हुआ वो हमसे गलती हुई या भूल हुई, जो भी है वो ठीक है। लेकिन सोनिया कहती है कि आपने अगर शादी की होती तो आज तुम्हारे घर पर बाली बाल बच्चे होते और पानी देने वाला होता, रोटी मिलती, कपड़े धुले मिलते, आज ये परेशानी नहीं होती। आपने शादी क्यों नहीं की? तो राम सिंह पूछता है, आपने शादी क्यों नहीं की, कारण क्या था? तब बातों ही बातों में बातें बढ़ जाती हैं, एक दूसरे को जब भांपने लगते हैं दोस्तों, बहुत समय हो जाता है बातें करते करते। राम सिंह जरा पानी का इशारा करता है तो सोनिया पानी ला कर देती है और देखती है कि कमरा के चारों तरफ कचरा ही कचरा पड़ा है। राम सिंह से कहा, अगर आप होते, पत्नी होती, तो आज ये घर की क्या दशा है, वो सब कुछ ठीक होता। लेकिन राम सिंह के मुंह से कोई जवाब नहीं आता। दोस्तों अपने सभी लोगों से, कर्मचारी से कहती है कि मैं कल आऊंगी, आप सब लोग गाड़ी लेकर के चले जाओ, कल मैं फोन कर दूंगी तब गाड़ी लेके आ जाना। सब लोग होते हैं, कलेक्टर के पायबंद होते हैं, वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में सोनिया कहती है कि आज तुम तलाक के कागज जो भेजे थे, मैं सिग्नेचर कर देती तो हो सकता कि आज हम और आप एक जगह नहीं बैठे होते। सोनिया कहती है, आपका विचार क्या? बोल, विचार हमारा कुछ नहीं है, जो भी है वो तुम्हारा विचार है। मैंने भूल की या कुछ भी किया, अब आप उसे सब संभाल सकती है। दोस्तों इसके बाद में सोनिया रुकती है और अपने पति की सेवा करती है और कहती है, ठीक है, इसीलिए मैंने भी आज दिन तक शादी नहीं की है। राम सिंह कहता है, यही विचार मैंने तुम्हें दिल से नहीं निकाला, घर से अवश्य निकाला, तुम्हारे लिए दिल में उतनी ही जगह है जब पहले थी, उतनी ही जगह आज है। तुम्हारा घर है, तुम्हारा मैं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है सब तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इस घर को चला सकती हो। दोस्तों यही बात को सुनकर के सोनिया के आंसू भर आते हैं, राम सिंह भी रोने लगता है। एक दूसरे को छुपाते हैं, एक दूसरे की दिल की बात को समझते हैं, पति पत्नी दोनों अपने दिल की दूरियां निकाल देते हैं। तब सोनिया कहती है, मैंने सब खोजबीन की है, तुम्हारे जो हाथ पैर तोड़े थे सब ये शर्मा की करतूत थी, शर्मा ने तुम्हें गुंडे लगा करके पिटवाया था, उसी शर्मा को मैंने ड्यूटी से यहाँ से दूसरी जगह निकाल दिया है, अब उस ऑफिस में कभी भी काम करने नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए, मैंने उससे सब कुछ कह दिया, उसे बर्खास्त भी कर दिया और वो यहाँ से चला गया है। तो सोनिया अपने पति से कहती है, आप चिंता मत करो, ये घर तुम्हारा क्या हमारा, सब लोग प्यार से रहेंगे, आपने उस समय मुझे धीर नहीं रखा था,
इसलिए ये कहानी यहां तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि पति पत्नी का प्यार कैसा रहा, अंत में दोनों एक हो गए, क्या इन लोगों ने अच्छा किया, सोनिया ने ठीक किया, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी अपने पति को अपना लिया था। लेकिन पति ने भी सोनिया की बुराई शर्मा के द्वारा सहन नहीं कर पाई, उसे झगड़ गया, अपने शरीर पर चोट खाई, हाथ पैर भी तोड़वा लिए, क्योंकि कितनी भी दूर हो जाओ दिल नहीं टूटता है, आत्मा नहीं दूर होती है, लेकिन बीच वाले दूर करवा देते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य बताइए, और इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।